दोस्तों नादरा केसेस के हवाले से मीन सीएनआईसी के अंदर जो मिस्टेक्स हो, करेक्शन हो, उसके हवाले से बात करते हैं ऐसे केसेस के बारे में। सबसे पहले तो नादरा के ने जब एक बार किसी का सीएनआईसी इशू कर दिया, उसके अंदर जो डेटा इनपुट हो गया, उस डेटा में अगर बाद में कोई मिस्टेक सामने आती है तो वो मिस्टेक नादरा खुद से करेक्ट नहीं कर सकता। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप सिविल कोर्ट से जजमेंट एंड डिक्री हासिल करें और उस डिक्री की बेसिस पे ही नादरा करेक्शन कर सकता है। एक सीएनआईसी जो हमें मिलता है उसके अंदर 10 मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन होती हैं। जब आप सीएनआईसी देखेंगे तो जिसमें नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ यानी एड्रेस और डेट ऑफ इशुंस, डेट ऑफ एक्सपायरी और ये सारे डेटा, वॉट एवर द डेटा जो आ गया है वो जब एंट्री हो गई है आपको सीएनआईसी इशू हो गया है और बाद में आप देखते हैं नाम के मिस्टेक, स्पेलिंग में मिस्टेक है या नाम ही गलत है, फादर के नेम में या अपने नाम में या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है। इसमें मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मिस्टेक का मतलब है कोई चीज़ गलत लिख दी गई हो। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ सही लिखी हुई है उसको आप चेंज कराने के लिए केस करें, चेंज बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ना नाम की चेंज हो सकती है, ना डेट ऑफ बर्थ की चेंज हो सकती है, ना किसी और डेटा में। यस करेक्शन इज़ पॉसिबल, अगर मिस्टेक है डेट ऑफ बर्थ आपकी जो ओरिजिनल एक है लेकिन सीएनआईसी में गलत लिख दी गई है तो वो करेक्शन हो सकती है। इसके लिए देखा जाता है बर्थ सर्टिफिकेट और मैट्रिक सर्टिफिकेट। मैट्रिक सर्टिफिकेट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जहाँ पे नेम, फादर्स नेम और स्पेशली डेट ऑफ बर्थ की बात की जाती है, तो वो करेक्शन हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं चेंज हो जाए तो चेंज इज़ नॉट अलाउड। और इस वीडियो की जो मेन पॉइंट ये है कि नादरा ने जब एक बार सीएनआईसी इशू कर दिया, उसमें जो डेटा एंट्री हो गई उसमें करेक्शन के लिए नादरा खुद से कुछ नहीं कर सकता। आप अगर नादरा के पास ले जाएंगे अपना सीएनआईसी की ये मिस्टेक है इसको सही करें, आप ये नहीं कहेंगे कि चेंज करें। चेंज का मतलब है आप कुछ और लिखवाना चाहते हैं जो कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं है लॉ में। नादरा आपको यही कहेंगे कि अगर करेक्शन कराना चाहते हैं तो आप सिविल कोर्ट से डिक्री लेकर आ जाएं, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट होती है। और सिविल कोर्ट से डिग्री हासिल करने का तरीका ये है कि सीनियर सिविल जज की कोर्ट होती है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सीनियर सिविल जज की कोर्ट इसका एलोकेटेड होती है फॉर नादरा केसेस, और उस कोर्ट में नादरा का एक ऑफिसर भी अपॉइंटेड होता है, नादरा की काउंसिल लॉयर या नादरा का कोई ऑफिसर, जो अगर नादरा का केस उस कोर्ट में आए तो उसको सबसे पहले उस केस की कॉपी दी जाती है कि ये केस है, इस केस का जवाब दाखिल करें। फिर वो वकील, एडवोकेट नादरा का या उनका ऑफिसर जो होता है वो फिर नादरा हायर ऑफिसर से अपने डायरेक्शन लेके उसका रिप्लाई देता है, और फिर कोर्ट्स मेरिट्स को देखती हुई, एविडेंस को देखते हुए कि वाकई में कोई करेक्शन करनी है, कोई मिस्टेक हो गई है नाम में, डेट ऑफ बर्थ में या किसी भी और डेटा में, तो अगर सेटिस्फाइड हो जाती है कि एविडेंस से साबित हो रहा है कि ये गलती हुई है तो डिक्री फेवर में इशू कर देंगे। और उस डिग्री को लेके जब आप नादरा पे के पास जाएंगे तो आपको नया करेक्ट आफ्टर करेक्शन सीएनआईसी इशू करेंगे। ये एक सिंपल प्रोसीजर है सीएनआईसी के अंदर करेक्शन सीख करने का। डायरेक्टली नादरा इसमें कुछ नहीं कर सकता। जो दोस्त ये पूछ रहे हैं कि नादरा वाले खुद से क्यों नहीं करते, तो ये नादरा के पावर नहीं है कि वो डेटा में खुद से कोई चेंज, कोई करेक्शन करें। इवन अगर एविडेंट हो, बिल्कुल ये साबित हो रहा हो, देख के नज़र आ रहा हो कि मिस्टेक है, नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक है या नाम ही गलत है, चाहे आपका अपना या फादर वालिद का या डेट ऑफ बर्थ, हर सूरत में सिविल कोर्ट से डिग्री हासिल करना लाजमी है।